हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं समर के लिए एक फ्रेश ब्राइट काइंड ऑफ मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने स्किन को प्रेप कर लूँगी। उसके लिए पहले ही मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का कॉफी कल्चर हाइड्रेटिंग मिस्ट। ये बहुत ही रिफ्रेश कर देता है स्किन को। इसको अच्छे से फेस पे स्प्रेड करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का एक्वा होलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर फेस को बहुत ही अमेजिंगली हाइड्रेट कर देता है और उसके साथ साथ प्राइम अप भी करता है। मैं यहाँ पे उसके बाद सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। शुगर का सिट्रस कॉट रियल SPF 30 है इसमें और अच्छी तरीके से मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी अपने फेस पे। उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी। फिर मैं यहाँ पे पीस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करूँगी और सिर्फ टी जोन पे यूज़ कर रही हूँ, पूरे फेस पे नहीं। फिर मैंने यूज़ किया है शुगर का ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन को। ये बहुत ही लाइट वेट है, इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हो। और मैंने बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई किया है अपने फेस पे। ये एक बहुत ही नेचुरल सा लुक देता है, कवरेज लाइट है इसका और उसके साथ साथ ये मैट फिनिश भी प्रोवाइड करता है फेस पे। बहुत ही अमेजिंगली ब्लेंड भी हो जाता है कुछ ही सेकेंड्स में। उसके बाद मैंने शुगर का मैजिक वॉन्ड वाटरप्रूफ कंसीलर यूज़ किया है। शेड नंबर्स एंड ऑल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। मैंने कंसीलर को इनर कॉर्नर पे, आउटर वी पे एंड जहां जहां पे भी मेरे थोड़े से पिगमेंटेशंस नज़र आ रहे थे वहां पे अप्लाई किया है। फेस के हाइस्ट पॉइंट्स पे भी थोड़ा सा अप्लाई किया है मैंने। बहुत ज़्यादा कंसीलर मैंने नहीं अप्लाई किया है, देख सकते हो आप लोग। मैंने अपने बाकी के फेस के कंसीलर को उसी फाउंडेशन ब्रश को यूज़ करते हुए ब्लेंड किया है और मैं अपने अंडर आई के लिए डिफरेंट एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर ब्रश को यूज़ करने से जो कंसीलर होता है वो चारों तरफ फैलता नहीं है और जैसा मुझे जहाँ पे भी कंसीलर चाहिए होता है सिर्फ वहीं पे ही ब्लेंड होता है ये। सो ये कंसीलर एंड फाउंडेशन दोनों ही मैट था, फिर भी मैं थोड़ा सा लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आई पे और जहाँ पे भी मैंने कंसीलर यूज़ किया है। और समर के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी पार्ट है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे शुगर का सेटिंग मिस्ट यूज़ किया है अपने फेस को सेट करने के लिए। इसको मैं अच्छे से ड्राई होने दूंगी। फिर मैं यहाँ पे शुगर का मैट एज हेल लिप क्रेयॉन को यूज़ कर रही हूँ अपने चीक्स पे। इससे मेरे ब्लश के लिए एक बेस क्रिएट होगा और ये लिप क्रेयॉन्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप इनको यूज़ करते हो एज ब्लश, ये बहुत देर तक स्टे करेंगे आपके चीक्स पे। फिर मैं आई मेकअप कर लूँगी। उसके लिए मैंने यूज़ किया है शुगर का टू गुड टू बी ट्रू डुअल आई शेडो स्टिक को और ये कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। मैंने यहाँ पे आउटर वी पे पहले अप्लाई किया है, फिर मैंने अपने हाथों से ही ब्लेंड किया है फिंगर टिप से और ये बहुत ही जल्दी जल्दी ब्लेंड हो गया है और इसे जल्दी ब्लेंड करना भी चाहिए। ये मैट आई शेडोज है, इनको अगर आप जल्दी ब्लेंड नहीं करोगे तो ये ड्राई हो जाएंगे और इनको ब्लेंड नहीं कर पाओगे आप उसके बाद। फिर मैंने इनर कॉर्नर पे ये शिमरी शेड यूज़ किया है और ये है आई मेकअप, देख सकते हो अच्छा लग रहा है देखने में। फिर मैंने यहाँ पे मस्कारा यूज़ किया है एंड गाइस, मैं इसको अप्लाई करके बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी क्योंकि ये बिल्कुल फॉल्स लैश जैसा इफेक्ट देता है एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आईज और आई जस्ट लव द मस्कारा। सो ये आई मेकअप जैसा टर्न आउट हुआ है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद फेस के कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया है कॉन्टोर द फोर्स फेस पैलेट। मैंने पहले कॉन्टोरिंग किया है मेरे फेस पे और ये कॉन्टोर पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही एक अच्छा नेचुरल सा शेडो प्रोवाइड करता है। मैंने नोज़ को भी कॉन्टोरिंग कर लिया है इसी पैलेट को यूज़ करते हुए। फिर मैंने यहाँ पे ब्लश यूज़ किया है इसी पैलेट से। हाइलाइटर लॉन्ग लास्टिंग रहे और ग्लो करता हुआ दिखे, पाउडरी ना लगे, इसके लिए मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है और फिर मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ये बिल्कुल ही एक लिक्विड हाइलाइटर की तरह वर्क कर रहा है, विद इन काइंड ऑफ एक ग्लो दे रहा है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। एंड इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे शुगर का मैट एज हेल क्रेयॉन लिपस्टिक यूज़ किया है। आउटर लाइन पे यूज़ किया है डार्क शेड को एंड इस ब्राइट फूशिया पिंक को यूज़ किया है मिडल ऑफ माय लिप्स पे और सारे शेड नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। और लास्ट में सेटिंग स्प्रे यूज़ करके मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लो। That's all for today's video. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लीव अ थम्स अप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाई।